आज सब चले गए, मैं ही रह गई पीछे। दिल निकड़ी आया, जल्दी चलूं, टाइम ज्यादा ही हो गया आज तो। कहाँ गया ये सांटा? माँ चल दे, हाँ बेटा जा रही हूँ मैं। रोटी खाने आओगे या पुलिया पे लेके आऊं? मैं आऊंगी, खाना देख लूंगी मैं जैसे भी लगेगा। और तू एक काम कर, बना कर रोटी वोटी और गेट बंद कर ले, पढ़ लिए बेटा। ठीक ठीक है माँ। है, मैं जा रही हूँ, सब चले गए मेरी गैल के, आज देर होगी। अरे प्रदीप, हाँ जी, अरे तू बैठा तो आई, मेरा बैल जोड़ दी तनक बुग्गी में, मैं फावड़ा उठा के लाऊ ये चीज को ले जा, और फिर देख नहीं जाते, बड़ा जन्म दुखी है इन सभी। चल दी मेरी जान, क्या माल है, ला भाई जुड़ गई। हाँ। आज तो सब चले गए, ला भाई ले राम का नाम, चल मेरे बेटे, जी तारा बना रहे तू, चल भाई चल जम्मू रे। अब तो ये रेत लेने चल दी, जब लौट के आएगी ना इसे छोड़ दू नहीं। अपने मन की बात आज बहरी ने बोली दूंगा। होगी बैल तो गर्मी में मरेगा, मैं भी मरूंगी गर्मी में। चल तू खड़ा रह थोड़ी सी देर, अब भरी बनना बुक्की, ले लगाए ले उन तकताब ले ले ले। ए भगवान, रुको रुको रुको, अरे हट जा पीछे को, कौन होता मा? सोयल तू रुक जा, कंजर्वेशन रुक, तू देर में बतावेगा। बोलू ना, मैं सोयल कंजर्वेशन विभाग का अधिकारी हूँ। आपको पता नहीं है 10 रुपए की पर्ची कटती है जब जाके रेत भरा जाता है। अच्छा पर्ची दिखाओ अपनी, कहाँ है पर्ची? अरे तू जो भी है ठीक है, कह तो हट जा, नहीं तो इस बुग्गी को तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी। तू भी मुझे आगे दुखी करने को यहाँ, खुदान की पर्ची दो। के कर रहा है तू पर्ची का, और काहे की पर्ची मांग रहा है तू मेरे से? पर्ची बिना बुग्गी ए... रुक जा तू, बड़ी देर में बतावे, पर्ची बिना बुग्गी आगे नहीं जा सकती, समझ गया आप? पर्ची दो, किसने परमिशन दी तुम्हें? अगर आप पर्ची नहीं दोगी तो हमें पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। अरे तू जिसे बुला बुलाता रही है तू परखवटी हस्सा, चल। अरे कहाँ कहाँ रुको, रुको चले जाओ, फोन कर सर को बुला। चल आ तू भी गर्मी सी मान रहा, चल दे जल्दी, चल 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 बेटे चल। आ तू रही है आज, आज छोटू ना हूं, आज दिल की बात कैसे मानूंगा, बुरा मानती हो तो मान जा।
भाभी भर लाई बुग्गी। भर लाई तो नीचे उतरिया, बैठ के तो बात करेंगे। मैं कह रही हूँ चमन सिंह, बैल की नात छोड़ दे, अन्नी बहुत बुरा हो जाएगा। यू बता रही हूँ बात। तो मैं छोड़ दूंगा, तू एक बार उतर के आ जा। शर्म ले आज, आँखों में है थोड़ी गणी ना है। मुझे तो बतेरी शर्म आवे, तू पूरी रात ढांटती फिरे, रेता बेचती फिरे, मुझे तो बहुत शर्म आवे। भाभी तू भी तो शर्म कर ले भाभी थोड़ी सी। अब तो मुझे शर्म आ रही है, तू बैल की नात पकड़ो खड़ा। क्या तो नात छोड़ दे, अन्य तो बहुत बुरा हो जाएगा। यू बता रही हूँ नात तो मैं छोड़ दूंगा, यू का कहीं भगा जा रहा है, उतर के तू आ जा नीचे को। उन्होंने मानना आज तुझे बता दूं, वैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा, तू हो रहा कम मखत। अरे भाभी मारी ना। आज मारूंगी जान से तुझे। अरे मर जाऊंगा भाभी, छोड़ फाड़ के कर दूंगी चार टुकड़े। यू बता रही हूँ बात, पता पता क्या बात है, क्या बताना चाह रहा तू बता। भाभी शर्म सी आवे, मैं तो नू कह रहा और कुछ ना कह रहा। काहे की शर्म आ रही है, नालायक तुझे। तू काम करती फिर है इसीलिए कह रहा मैं तो, या काम है धम भी कर लेंगे। यूं मेहनत का काम है, यूं मेहनत का काम है। अरे मार दिया, छोड़ दे भाभी, छोड़ दे तेरे हाथ जोड़ू, छोड़ दे भाभी, छोड़ दे भाभी। अरे भाभी मजाक कर रहा, अरे भाभी माफ कर दे, तो वैसे मजाक ही कर रहा है। पता तुझे कैसे मुझे छोड़ दे, अब ना करूं। बनानी आवे बस, बकवाद करने की लग रही है तुझे, हरामखोर। चले जा खड़ा होके, तन मन से भी शर्म ले आ जा आंखों में। जान बचियो लाखो भाई, दिखाई मत दे जी यार मुझे, नालायक। आज वो होता तो मुझे इतनी दुखी करते ही है, सब अकेली समझ के नू सोच रहे हैं रामकली को। अब भैया खा लो, ससुरा मार दूंगी, मर जाऊंगी एकाद देखो। चल भाई चल, बड़ा जन्म दुखी हो रहा मेरा। चल कैसा रुक का खड़ा हो गया तू, चल 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 चल। माँ तू रेत को ला ला कर यहाँ ढू क्यों लगा लग रही। ए बावली तुझे भी नहीं तो ना पता, जमना चढ़ जाएगी फिर कहाँ रेत मिलेगा। जब जमना चढ़ेगी रेत मिलेगा ना, तो ये वैसे ही महंगा बिकेगा। हाँ माँ सही कह रही है। ए तू क्यों खड़ी है, खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है, जा अंदर पढ़ाई कर ले। ठीक है माँ। माँ कैसे परेशान बैठी, ले रोटी खा ले। तू भी लिया अपनी। अरे माँ तो रोटी खा ले, फिर वो बुग्गी वाले निकल जाएंगे, फिर इतनी रात को तुम अकेली जाओगी, लो खा लो। अरे आज तुझे भी ले चलूंगी मैं अपनी गैल। क्यों आज मैं तेरी गैल क्यों चलूं? ए मरना ही पड़ा तो दोनों माँ बेटी गैल मर जाएंगे। अरे कुछ बताएगी भी, ऐसी के बात होगी ना, बुझे तो ठीक ही है, नहीं तो बिगर मतलब जहर खाना पड़ जाएगा। माँ बता भी कुछ नारी, बात के होगी। वो तेरा चाचा ना चमन, आज बैल की नात पकड़ ली, अन्नू कह रहा मेरे से आए गौड़ को बात करेंगे। मुझे गुस्सा तो ऐसा ऐसा आ रहा कि ऐसा फावड़े से बीचों बीच फाड़ दूं। जब अपने ही कम मखत हो रहे हैं तो दूसरे के करेंगे, अपने ही चूल्हे में धरने ला के ये अपने ही ना जीन दे रहे। यू नो सोच रहा है और कुछ भी इनके बुराई सिर थेप के और इन्हें भगा दे माँ बेटी इनको लिकाड़ के। नू चाह रहा इनके भगाए दे तो हम ना भाग गए, तू आज यहाँ ही रह, बुग्गी लेके मैं जाऊंगी। अरे बुग्गी तू क्यों ले जाओगी, बुग्गी तो मैं ही ले जाऊंगी, इस चमन से डर के थोड़ी रहना हमें। तू क्यों डर रही, तू अपनी रोटी ठा ला जा, गैल खाऊंगी माँ बेटी। खा ले। आज आलू की सब्जी बड़े बना रखी है तन्ने।
ए पढ़ ले, के सोच विचार से करन लगी तू? माँ मैं ये सोच रही थी अब हमें रेत का काम ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। पता ना बीबी क्या दिन तक ही रेत ढोना पड़ेगा, तूने क्या लिखा है इस नसीब में। तू थोड़ी घनी पढ़ लिख के कुछ बन जा तो जब तक मुझे थोड़ा घना आराम मिल सके। माँ तू दुखी सी ना हो वे। मैं दुखी ना होती हूँ मेरी लाडो, रहा मैं 100 तरह का आदमी मिले, कोई तो धन का गिराक, कोई इज्जत का दुश्मन। माँ ये सारी चीजें तो कमानी पड़ा है जिंदगी में। ये जो पहला कमाया वो तेरा बाप लेकर भाग गया, अब तेरी नौकरी में पैसे वैसे लाने पड़े तो कहाँ से ला के दूंगी। अपने यू रेत बेच बेच के थोड़ा घना जोड़ रही हूँ, तेरे लिए ही तो कर रही हूँ सब कुछ। अरे सब हो जाएगा, तू ज्यादा ना सोचे। सारी जमुना की रेत का बूरा बन जा और सारी जमुना के पानी का घी बन जा। जब भी हमारे हिस्से में एक चम्मच ना आवे, मारी ऐसी फुट्टी किस्मत है। आवेगा आवेगा क्यों ना, एक बार हो लन दई हूँ मेरा टेस्ट सा, झाड़ नौकरी लग जाएगी। आधी रात होली, हिरनी डूबने वाली है, अब मैं बुग्गी लेकर जा रही हूँ, तू मेरी गैल चल, गेट बंद कर लिए, जब आके पढ़ लिए। ठीक है माँ। चल चल बेटे चल चल मेरे जमुरे चल चल। ये बहरो प्याज तो असली पुलिस को ले आए, ये पता नाम के क्या महंगे जन। आप ये रेता कहाँ लेकर जा रहे हो? जी घर ले जा रही हूँ। ये रेता आप खान में से ला रहे होंगे? हाँ सर जी खदान में से लाई हूँ। पर्ची है क्या आपके पास? पर्ची तो ना है जी। पर्ची तो होनी चाहिए थी। पर्ची सर जी 10 रुपए की कटा है। अच्छा ये मेरे से मांग रहे थे 50 रुपया। आप झूठ बोल रही, कब मांगे तेरे से 50 रुपए? क्या ही नहीं थी कि 50 रुपए दे दो नू ले जाकर रोज फ्री में। बदतमीज झूठ बोलती है। अरे रुको कैसे बोल रहे हो, देखो अगर आपने इसकी पर्ची नहीं कटवाई है तो ये अवैध है, अगर पर्ची आपके पास है तो दिखा दो, नहीं तो फिर थाने चलना पड़ेगा, वहां से इसकी जमानत करानी पड़ेगी। सर जी थाने क्यों जाऊंगी, यूं तो मेरी रोजी रोटी है, इससे कमा के तो मैं अपना पेट और अपनी लड़की का पेट भर रही हूं। पर्ची तो आपको कटवानी पड़ेगी, अब आपको थाने चलना पड़ेगा और वहां से आपको इसकी जमानत करानी पड़ेगी। देखो मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन अब हम आ गए हैं तो अब तो आपको इसकी जमानत ही करानी पड़ेगी और SDM ऑफिस से करानी पड़ेगी। देखो ऐसे काम करना गैर कानूनी है। देखो आप परेशान ना हो, हमें लगातार शिकायत मिल रही है तो इतनी कार्रवाई हमें करनी ही पड़ेगी। आप आराम से SDM ऑफिस से अपनी जमानत करा लेना, कोई बड़ा केस आप पर नहीं बना रहे हैं। सर जी इन्हें अभी तो कुछ क्या हो, 10 रुपए की पर्ची कटा रही, 50 मांग रहे, रिश्वत ले रहे। देखो तो मैं इस बात की भी जांच कराऊंगा, अगर आपकी बात सच है बोल रही तो आप पर कोई आंच नहीं आएगी और ये सब नपेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ये रिश्वत लेते रहे इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे काम का नाश होगा। जांच करेंगे आप चिंता मत, आदमी को किसी को करके मत खान दो, ले जाओ बुग्गी गुल्लो, तब मैं मुझे दुखी करने को आ गए। इसे थाने लेकर चलो। चल भाई पकड़ इस बुग्गी को। ठीक है जी। इस बैल की भी देखभाल करना, इसका खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ जी ठीक है जी। ए बहरो पिया इसे न्यार कर दिए, पानी पिया दिए, कभी मेरे बैल को भूखा मार दे। अरे तुम जाओ, ऐसे ऐसे काम हम रोज करें, रोज पकड़े। यू काम तुम्हारा है, अब जा। चल 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 तू चुप हो जा। चलो जी मैं चल, बस चल चल आ गु चल, ये पता लगेगा तुझे बिना पर्ची के रेट हारी। आप SDM ऑफिस आ जाना। अब कहां जाऊं मैं, है ही बुग्गी का काम करी, इसे भी ये ले गए हाँक के, सब कमखत मेरे पीछे पड़ने को जीन नहीं देगा। अब एक काम करूं प्रधान के धोरे जाऊं, वही मदद करेगा मेरी। छोड़ा है? छोड़ा है जी सर, मैं बुग्गी को थाने में छोड़िया जी मैं। बहुत बढ़िया सर, एक बात है, बेचारी गरीब थी वो। अरे गरीब थी तो हमने उसको कुछ ले लिया हैं, के बिगाड़ लिया हमने उसका। पर एक बात बताओ, उस
की छूट तो जागी बुग्गी बिचारी की। छूट जागी तो जगह दिक्कत आ रही है, छूट जागी बुग्गी हैं बता। देखो बुग्गी तो अब जब्त हो गई है, उसकी जो जमानत होनी है वो एसडीएम ऑफिस से होनी है। एसडीएम साहब बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसने ईमानदारी से अपनी व्यथा बताई वो छोड़ देंगे उसे, कुछ नहीं कहेंगे। अब तुम यहाँ मत रहो, थाने जाओ। कुछ हमारे भी तो नंबर बढ़े हैं, पता लगे हम भी दोपहरी में मेहनत कर रहे, काम कर रहे हैं। हाँ देख लो, छूट जाएगी, छूट जाएगी, जा तू जा। हाँ छूट जाएगी, तू जा। अच्छा तो जी, हाँ चल ठीक है, आओ चलते हैं। चांदनी, ए चांदनी। हाँ माँ। ले सांटा। माँ आज बुग्गी कहाँ छोड़ी आई? तू बुग्गी की ना बुझ जाए, बुग्गी पुलिस वाले ने पकड़ ली, मैं प्रधान के दोहरे जाऊं। क्यों क्या बात होगी? पुलिस वाले ने पकड़ ली बुग्गी, मैं प्रधान के दोहरे जाऊं पहले। चल तू अंदर बैठ, गेट लगा ले, ध्यान से जाइए माँ। ठीक है। प्रधान जी, भाई प्रेमपाल प्रधान जी कुछ नहीं, थारी सेवा के नाम का बैठा हूँ। जो काम हो वो बताओ, प्रधान जी मत कह करो, जी मत लगा करो। इसकी बहू गाली दे। अच्छा। गली में खड़ी होके, और मारे वाली इस सर इसकी बहू तड़क जा। अच्छा। और ये बहू की बात तो मैं आगे नु कह रहा, मैं रिपोर्ट करने जाऊं। भाई ये बहुत घटिया बात है, क्यों तो वैसे गाली दे, और तू भी से सिम जाया कर, छोटी छोटी बात तुम्हें क्यों गाली दे। मुझे बहुत शर्म आई जो तुम्हें थाने में जाना पड़ा, और इस बात पे अकीश की बहू ने नू कह दिया, मेरी ने नू कह दिया, बात है ये कुछ मेरे यार। मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम इन छोटी छोटी बातों पे लड़ना छोड़ दो, कुछ नहीं दरियान में। ठीक है, बात तो तुम ठीक करे प्रधान जी, पर इससे कहवा दो कि ये छोटी छोटी बातों पर लड़े ना। बता, ये बात है, अपनी बहू को सिम जाइए जरूर, बालकों के ऊपर ना लड़े, अरे आपस में रल मिल के प्यार तो रह रहे। और तुम्हें एक बात बताऊं, चाहे वे लड़ो सोबर, पर तुम ना लड़ियो। ठीक है प्रधान जी, मैं नहीं लड़ता। बिल्कुल नहीं लड़ना, मेरी बस यही एक बात मान लियो कि आपस में लड़ना नहीं। ठीक है भाई, लड़ियो ना, कुछ नहीं दरिया। ठीक है प्रधान जी, राम राम। हाथ ही मत जोड़ो करो मेरी डबकू यार, हाथ जोड़ना ठीक नहीं होता, प्रधान ही तो हुआ। अच्छा के राम जी हूँ, प्रधान जी राम राम। राम राम, आजा राम के लिए बैठ। के बात प्रधान जी, के बताऊं तो मैं। बता, मेरे लायक सेवा हो तो मुझे बता। के बता दूं बस मैं। प्रधान जी घनी दुखी होली मैं, उसके जाने के बाद नू समझ लो मेरी जिंदगी नरक ही हो रही। चिंता ना करे, दुख सुख तो आया करे, तू तो बहुत हिम्मत की है, तेरा तो सारे गांव को पता, इतनी बढ़िया हिम्मत का काम करने वाली। दिक्कत ना माने हमें बता, तू दुख किस बात का? सुबेरी में रेत लेने गई। अच्छा। और जब उंगे से बुग्गी भर के वापसी आ रही थी ना, मैं उंगे से दो आदमी आए। अच्छा, फिर क्या बात हुई? आके मेरे से कहने लगे पर्ची कटवाओ, कहां से लाई रेत। मन्ने कही पर्ची तो मन्ने ना कटवाई, और मुझे तो जीवे बैर रुपया से लग रहे थे, ऐसे लंबे लंबे बाल उत्ते इनके, और मुझे के पता वे अधिकारी है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अबे दरोगा को लेकर आ गए वहां, ओ दरोगा कह लगा नुका पर्ची क्यों ना कटवाई तुमने, गलत बात है ये। उन्होंने कहा कि एसडीएम ऑफिस आ जाइयो और अपनी बुग्गी छुटा लियो। बेफिक्र रहो तू, तेरी बुग्गी नुमान छूट गई, चिंता बिल्कुल ना माने, तड़के मैं चलू मर तेरी बुग्गी छुटवाऊंगा। तजे एक बात बताऊं, ये 10-10 रुपए की पर्ची कटवा लेनी चाह, इसमें बहुत शर्म आवे, जाके नु कह जी 10 रुपए की पर्ची नहीं कटवाई, मैं तेरी ग्राम पंचायत की डबते 1 महीने की पर्ची काट दूंगा, और तू उस पर्ची ते ले जाकर बेफिक्र होकर ले जाकर, और ये छोटी मोटी पर्ची जहाँ जहाँ की भी हो वे कटवा लिया कर। ठीक है प्रधान जी। ठीक है ना, तड़के मैं चलूंगा, मेरी गैल चलिए, तेरी पर्ची पिछली भी कटवाऊंगा, अगली भी कटवाऊंगा, और तेरी बुग्गी भी छुटवाऊंगा, और चिंता मानने ना, तेरी गैल सारी ढड़ू खड़ा। ठीक है प्रधान जी। हाँ बेफिक्र रहो तू, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा जी, राम राम। ठीक है, राम राम जी, आराम ते जाकर आराम ते, और ना डरिए किसी ते, कोई कुछ कहत फिर वा भी बताइए। हाँ खूब बेफिक्र होकर आराम ते आ जाया कर। क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? हाँ जी सब बढ़िया चल रहा, सब ठीक है। आपके डिपार्टमेंट के सभी काम सब हो रहे जी? ये रेत वाला केस अभी हुआ नहीं सर, धीरे धीरे हो जाएगा, हम कर रहे हैं काम।
सरकार ने हमें जितनी परमिशन दी है उतना ही कर रहे हैं, हमारे ऊपर से प्रेशर है। सरकार तो ये सोचती है हम कुछ भी नहीं कर रहे और हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सर मनोज। ये जुल्फों का क्या मामला है? ये जी वो लखे मैंने गंगा जी बन चढ़ाने जी है। अच्छा, हमारे घर में वो लग रहा जी है। कहाँ? गंगा जी बन। वो छोटे छोटे बच्चों की तरह। इंस्पेक्टर साहब, आप ही के थाने में है ये? हाँ जी, मेरे ही थाने में है। कुछ दिन पहले मैंने भी इसको कहा था, इसने तब भी यही जवाब दिया था, इसलिए मैंने इसको 10 दिन का टाइम दिया था। और थोड़ी रिलीजन से जुड़ी बात है, नहीं कटवाएगा तो सस्पेंड करूंगा इसको। हाँ, कटवा लोगे? अब कटवा लूंगा सर। सर, इसकी वजह से हमें एक और दिक्कत आ रही है। हाँ, अगर हम कहीं जाते हैं इसे देख कर लोग बाग हमें बैरूपिया बताते हैं, इस बात से हम बहुत परेशान हैं। इंस्पेक्टर। हाँ भाई, 10 दिन। जी सर। कट जाने चाहिए 10 दिन में। ओके सर। नमस्ते। हाँ जी, आप? नमस्ते, ये रामकली जी, मैं मुड़सम गांव का प्रधान। दिक्कत यह है जी, यह गांव की एक विधवा औरत है, यह रेत बेच के बुग्गी चला के इसी काम ते अपने घर को चला रही, घनी सिद्धि है। आज पुलिस ने इनकी बुग्गी पकड़ ली और जो तुम वो कह रहे वो मैं सुन लिया, बहरूपिया बहरूपिया ऐसा इसकी कह लुया। ये मिले न पर्ची मांगी 10 रुपए की, इन्होंने सोचा पता नहीं कौन बहरूपिया से, इन्होंने मना कर दी होगी तो इन्होंने इसका चलान कर दिया। पर केस आपकी ऑफिस में बताया कि बुग्गी वहाँ तो छूटेगी, तो इस वजह से हम आए जी, इनकी बुग्गी छूटनी चाह। यह बेचारी बड़ी मेहनती औरत है, इतनी हिम्मत की है, मेरे गांव में इस तरह बढ़िया और हिम्मत वाली कोई औरत नहीं। ये आप ही के थाने का केस है? क्या मामला है? दरअसल मैं उस इलाके का अधिकारी हूँ और मैंने इनकी बुग्गी पकड़ी, इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ थे। दरअसल हमने इनसे 10 रुपए की पर्ची मांगी और इन्होंने हमें 2 रुपया समझ लिया। हमारी थोड़ी बहस हुई और ये फिर वहाँ से चली गई। फिर हम अगले दिन इंस्पेक्टर साहब के साथ गए, फिर हमने इनकी बुग्गी को कब्जे में ले लिया और अब आपके पास आई गई है। अब आप देख लो छोड़नी या नहीं। तो आपने बुग्गी की पर्ची क्यों नहीं कटवाई? सर जी, मुझे तो नहीं पता ना पर्ची कहाँ कटे है, मेरे से तो 3-4 बार वैसे ही पैसे ले लिए 10-10 रुपए। अब मैंने तो जी ने भी नहीं जाना कि ये भी वैसे ही है। नहीं, आपके जो बाकी साथी काम करते होंगे खान पे रेत ढोने का, वो पर्ची कटवाते हैं कि नहीं कटवाते? मैंने तो सर जी कभी पूछा ही ना उनसे। कटवाते हैं कि नहीं? हाँ जी, कटवाते हैं सारे। तो आपने कभी उन्हें देखा नहीं पर्ची कटवाते हुए? सर जी, मैं तो रात के टाइम लाऊं अंधेरे अंधेरे से बुग्गी भर के। बाबूजी, ये अनपढ़ औरत है, इसे इन बातों का पता नहीं, और उसको तो पता भी रहा, इसे कोई ना मिला होगा तो इसने तो इस बात को सोच के पता नहीं अधिकारी है या बहरूपिया तो मना कर दी होगी। इन्होंने इस बात का ज्यादा बुरा मान लिया, इसकी शिकायत कर दी। ठीक है। मेरा तो यू ही कहना, इस पे जो भी दंड हुआ हो उसे हम देंगे, इसका बेचारी का इतना मिजान नहीं है। अब से आगे आप पर्ची कटवा लिया करोगी? इतने कमाऊं जी, मैं तो यही कमाऊं 10-20 रुपया। लड़की है जी मारा, एक मैं हूँ, बस इसी बुग्गी के सारा काम चल रहा, इसी से पेट भर रहा मारा। नहीं, नियमों का तो पालन करना पड़ेगा ना हम सभी को। यह मतलब बहुत ही बढ़िया है, किसी भी गलत काम को करके राजी नहीं है। ग्राम पंचायत से भी तो पर्ची काटा करती है। हाँ, मैं ग्राम पंचायत से भी कटवा दूंगा इसकी पर्ची। पता नहीं तो कदी कदी लावती, पहले तो ये 2-4 दिन तक रोज लगती होगी, इसे पता नहीं था इन बातों का। इनकी व्यवस्था हम करेंगे जी, इब तो आशा है कि इनकी बुग्गी छोड़ने की कृपा करो। बुग्गी कहाँ है? बुग्गी थाने में खड़ी है। छूट जाएगी जी? छोड़ देंगे। आप जाओ, रिटर्न में आदेश कर देना। ठीक है, आपकी बुग्गी मिल जाएगी, लेकिन पर्ची जरूर कटवा लेना। ठीक है सर जी। ठीक है प्रधान जी, ठीक शाम को इनकी ग्राम पंचायत की तरफ से पर्ची काट देना। हाँ जी, हाँ जी, जरूर करूंगा। नमस्ते। चांदनी, तू यहाँ? तू यहाँ कैसे? मारी बुग्गी ना पकड़ी गई, तुझे मैं कह रही ना थी कि प्रधान जी लाऊंगे छुड़वा के, तू कैसे आई यहाँ? वो कागज अटैच करवाने आई, वो टेस्ट दिया था ना, उसमें नंबर आ गया माँ मेरा। अरे वाह, आ गया नंबर तेरा?
हाँ माँ। सच में? ये इनकी लड़की है जी। अच्छा, मास्टरी में नंबर आ गया इसका। बड़ी मेहनत करके बिचारी से पढ़ा रही थी। हाँ। छोटी सी को छोड़ के इसका बाप गुजर गया था, या पढ़ लिख के कामयाब होगी। बता बेटा तू क्या काम आई? हाँ, क्या चाहिए आपको? गुड, मुझसे क्या चाहती हो? सर वो अटेस्टेशन। हाँ। आपकी बेटी? हाँ है जी। अच्छा है, तो अब तो आपको रेत की बोगी नहीं चलानी पड़ेगी है? सर जी मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं तो इसे घर पर छोड़ कर ही बाद में आया होगा लंबर। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छा रहा भाई, आपकी मेहनत का आपके काम आई, बड़ी अच्छी बात। बड़ी मेहनत करी इसने बेचारी ने। हाँ हाँ, मैं अटेस्ट कर देता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो आज पहली बार देखा थारा ऑफिस। ना ना ना, राम के लिए सुन ली तेरी, भगवान मेहनत का फल है और क्या, तो सभी को देता है भगवान। लो बाहर स्टैंप लगवा लेना है। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चल राम के लिए, देख तू ही बिरान हो रही थी बुग्गी को लेकर।